हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसे बड़े होंगे, बड़े रहना। वेलकम बैक टू द चैनल। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। आप लोग सोच रहे होंगे जा कर रहा है, एक्चुअली मैं आया हूँ चंडीगढ़। ठीक है, पौंडा साहिब से चंडीगढ़ आया और रास्ता मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया और आप टाइटल तो समझ ही गए होंगे क्या करने आया हूँ। तो बस अभी उसी की कार्रवाई चल रही है, बाकी थोड़े बहुत और काम भी है, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे फिनिश होंगे। अभी मैं आ चुका हूँ किया के शोरूम में, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, यहाँ पे जिस काम से अभी आए थे, ठीक है, गाड़ी देख ली है हमने और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने। एक छोले भटूरे बड़े फेमस हैं यहाँ पे, आपने मेरे किसी व्लॉग में देखा भी होगा, तो बस वो खाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। हमें एक एग्जीबिशन में जाना है, वहाँ भी काम है थोड़ा। और तो गाइस, अभी ई रिक्शा लिया है, भैया हमें ड्रॉप कर देंगे, बस वहाँ खाएंगे। ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी तक, जल्दी निकल गए थे सुबह, बस अभी खाएंगे। तो गाइस, ई रिक्शा जा चुके हैं छोड़ के और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे छोले भटूरे खाने, क्वाइट फेमस। हाँ, कॉलेज टाइम में भी खाते थे जो। थोड़े बड़े टेस्टी थे। अभी हम जा रहे हैं 17 सेक्टर, वहाँ पे एग्जीबिशन है। हेलो, ऑटो को रोक रहे हैं, कोई ऑटो मिल जाए। ऐसे नहीं आवाज मारते यार। ओहो, कोई ऑटो नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये लोगों के पास गाड़ी क्यों नहीं है यार, यही तो प्रॉब्लम है, कुछ करने आए हैं। नई गाड़ी लेनी है तो फिर गाड़ी जा रहे हैं 70 सेक्टर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जीबिशन किस चीज़ की है, हमें अभी जाके दिखाएंगे, जाके दिखाएंगे। ठीक है गाइस, आ गए 17 सेक्टर और यहाँ पे जाना था नॉर्थ इंडिया प्रीमियर रिटेल डेस्टिनेशन। ये एग्जीबिशन लगी हुई, अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या है। बाकी यार, ई रिक्शा का सफ़र बहुत बढ़िया रहा यार, सबसे बढ़िया है। यहाँ पे एंट्री फीस है 50 रुपीज़, बट हमें तो इनवाइट किया गया यहाँ पे, तो हमारा फ्री था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल है, अभी सब कुछ कवर करेंगे। कहाँ से शुरू, वहाँ से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये आप देख सकते हैं बाइक्स वगैरह, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको वहाँ लेके चलते हैं, फिर इस कोने से इस कोने आएंगे और अंदर भी बहुत कुछ है। तो गाइस, आप देख सकते हैं बाइक्स और कार्स हैं यहाँ पे। ये है गाड़ी यार, अल्टीमेट, वाओ, इलेक्ट्रिक कार्स। सो गाइस, आई हैव बॉट दिस फॉर माय रूम, फोकस ऑन गुड। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी अच्छी चीजें यार यहाँ पे। एग्जीबिशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, बहुत कुछ था यार अंदर यार, हर चीज़ तो दिखा भी नहीं पाते कैमरे में। खाने पीने की स्टॉल भी थी, सब कुछ था। मैंने अपने रूम के लिए कुछ लिया है, ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, वहीं से कुछ लिया है। और अभी जा रहे हैं 22 सेक्टर, जो मोबाइल मार्केट है, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम है, देखते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। घंटे मॉल से हम आ चुके हैं दोबारा से किया के शोरूम में और अब मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी लेने नहीं आया, गाड़ी की सर्विस कराने आया है। गाड़ी की सर्विस कराएंगे और उसके बाद थोड़ा यार गाड़ी में घूमेंगे, पता, हम ई रिक्शा में घूम के, ऑटो रिक्शा में घूम के ना बोर से हो गए हैं और शाम भी हो गई, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया, इलांटे मॉल गए थे, वहाँ से शॉपिंग करी और बहुत ज़्यादा रास्ता, वक्त तो संडे और ऊपर से दिवाली की वाइब्स। बस अब यहाँ पर फिनिश होने वाली है सर्विसिंग, उसके बाद थोड़ा चंडीगढ़ घूमेंगे और उसके बाद घर को निकलेंगे वापस।
आज का बस छोटी सी जर्नी थी, मैंने सोचा कि यार व्लॉग बना लेता हूँ, आप लोगों से मिल लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा है जब से मैं घर वापस आया हूँ घूम के। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा जिब्बी वाले में, तो बस अभी यही है आज का, बाकी अभी मिलेंगे गाड़ी में बैठ के सीधा। सो गाइस देखो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं दिवाली सेलिब्रेशन, लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी फ्री नहीं हुई है, हम ही रह गए हैं, सारे चले गए हैं काम कुम करके। पहली गाड़ी मिल चुकी है और अभी टाइम हो चुका है 7:30, सारे लोग चले गए थे यार, बट स्टिल हमें अच्छा कोऑपरेशन मिला, बंदा हिमाचल का इधर कांगड़ा का, एंड गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, सबको रिपेयर हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा काम है जीरकपुर में, उसके बाद का प्लान जो भी होगा आपको बताएंगे। पूरा दिवाली रश हो रखा है वीआईपी रोड जीरकपुर पे यार, वैसे भी संडे भी है, पार्किंग कहीं मिल नहीं रही है हमें, लाइन पे लाइन लाइन पे लाइन। चलो यार क्या कह सकते हैं, फेस्टिव सीजन है, दुनिया तो बाहर निकलेगी। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है ना, मैंने अपने फ्रेंड को बोला तू काम निपटा गाड़ी मैं मोड़ता हूँ यार, क्योंकि वरना तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। सो गाइस जीरकपुर का काम हो चुका है और फिर से वीआईपी रोड से वापसी, अब जा रहे हैं पंचकूला की तरफ, क्योंकि डिनर हम सोच रहे हैं यार पंचकूला में ही कर लेंगे, क्योंकि रास्ते में ना फिर नॉन स्टॉप चलेंगे यार, थोड़ा पंचकूला किसी को मिलना भी है, फ्रेंड हमारे कॉलेज फ्रेंड वगैरह हैं, और फिर वहाँ से क्विकली विल गो टू बैक टू होम। बाकी यही हालत है, देख लो आप, ट्रैफिक अभी भी वैसी है, बट आते हुए उस साइड से ज़्यादा ट्रैफिक है, जाते हुए ट्रैफिक निकल चुका है डिनर करके, और आप ये देख सकते हैं हमारे रास्ते में गायें आ गई है, बड़े ध्यान से चलना पड़ता है हाईवे पे यार रात को, स्पेशली ऑन दिस हाईवे, ठीक है। तो अभी पौंटा जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे घर हम विद इन 2 आवर्स, डिनर हो चुका है, एंड इट्स अ नाइस डे यार, अच्छा रहा दिन, अच्छा गुजरा दिन,